सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम प्रणाम सलाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उपस्थित हो गया हूँ आज की वीडियो लेकर सी नारायण आपकी सेवा में, आपके खिदमत में। जी हाँ बहनों भाइयों, तो वीडियो है आज की जो है 22 अप्रैल के दिन विशेष, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, साथ में आज का सवाल और आज का सुविचार, तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारियों से भरा एक पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विथ NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये रहा आज का सुविचार, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियाँ आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। जी हाँ बहनों भाइयों, सीढ़ियाँ और लिफ्ट के बीच का जो तुलना बताई गई है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियाँ आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती हैं। तो चलिए बहन भाइयों, सीढ़ियाँ से चलते रहे ना कि लिफ्ट से। तो चलिए अब आज का सवाल यह है कि विश्व में सुंदरियों का देश कौन से देश को कहते हैं? विश्व में सुंदरियों का देश कौन सा है? तो इस देश का नाम है, रुकिए भाई, पहले आप तो ज़रा विचार कीजिएगा, सोचिएगा और आप सोचते रहिएगा, और अगर आपको जवाब ना मिले तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए कष्ट उठाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली विषय की ओर। आज विश्व पृथ्वी दिन है, यानी जागतिक वसुंधरा दिन भी इसे कहा जाता है, और आज जल संधारण दिन भी है। तो 1970 से ये वसुंधरा दिन मनाया जाता है, पहला वसुंधरा दिन 1970 में मनाया गया था। तो चलिए भाई, आज के इस वसुंधरा दिन के और आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय रहे, शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर, जो है 22 अप्रैल के। तो सबसे पहले 22 अप्रैल के ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1500 यानी 1500 में पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वेर केब्राल, इन्होंने ब्राज़ील की खोज की। 1792 में अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन, इन्होंने यूरोप के युद्ध में अमरीकी तटस्थता की घोषणा की, तटस्थ रहने की घोषणा की। 1906 में यूनान यानी ग्रीस के शहर एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1915 में पहला महायुद्ध जारी था भाई, जिसमें जर्मन ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र दिया। 1926 में पर्शिया, अफगानिस्तान और तुर्की के बीच सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1931 में मिस्र और इराक के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1954 में रशिया का यूनेस्को में प्रवेश हुआ। 1958 में एडमिरल RD कतारी ये भारतीय नौसेना में पहले प्रमुख बने। 1966 में सोवियत रशिया ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1970 में पहला विश्व वसुंधरा दिन यानी पृथ्वी दिन मनाया गया। 1977 में ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में इस्तेमाल किया गया। 1983 में अंतरिक्ष यान सोयूज टी 8 पृथ्वी पर वापस लौटा। 2005 में बांडुंग
इंडोनेशिया में 50 वर्ष के बाद दूसरा एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन आरंभ हुआ, जो कि पहला 1955 में हुआ था, बाद में ये 2005 में यानी 50 साल के बाद हुआ। 2008 में रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन इनको लुडविक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1948 में अरब और इसराइल इनके बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें अरब देश ने इसराइल के हैफा बंदरगाह पर कब्जा किया। 1997 में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था के संचालक, जिनका नाम था डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, इनको विज्ञान और तंत्रज्ञान का ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार घोषित किया गया। 1979 में यानी 1979 में भूदान आंदोलन के जनक, समाज सुधारक और क्रांतिकारक आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने संपूर्ण गोहत्या बंदी के लिए उपोषण किया। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन यानी 22 अप्रैल के जन्मदिन, जर्मन तत्ववेत्ता इमैनुअल कांट 1724, भारत के गवर्नर जनरल जिनका नाम था डॉक्टर डलहौजी, इनका जन्म 1812 में हुआ। रशियन क्रांतिकारक व्लादिमीर लेनिन 1870, अणुबॉम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1904, भारतीय दिग्दर्शक और निर्माता बलदेव राज चोपड़ा 1914, गायिका और अभिनेत्री कानन देवी 1916, वायोलिन वादक और वाद्य वृंद के संचालक, जागतिक वायोलिन वादक है यहूदी मेन्यूहिन 1916, नाट्य चित्र अभिनेत्री उषा मराठे तथा उषा खेर तथा उषा किरण 1929, भाषा शास्त्रज्ञ, साहित्य समीक्षक, प्राध्यापक अशोक केलकर 1929, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ शैक्षिक भामा श्रीनिवासन 1935, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी और पॉलिटिशियन गोपाल कृष्ण गांधी 1945, मुगल शासक अकबर दूसरा तथा अकबर शाह द्वितीय, ऐसा भी इनको कहा जाता था, या बहादुर शाह ऐसा भी कहा जाता था, 1760 में इनका जन्म हुआ। अंग्रेजी उपन्यासकार और लेखक चेतन भगत 1974, गायिका अंजनीबाई मालपेकर 1883, पॉलिटिशियन बलराम सिंह यादव 1939, गुजराती चित्रकार कवि माधव रामानुज 1945, अभिनेत्री शकुंतला बरवा 1947, लेखक संगीतकार आकाश राजपाल 1974, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी चेतन बाबर 1974, अभिनेता सरफराज खान 1976 और सिंगर पार्वती सोमन 1997। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 22 अप्रैल के, रोल्स रॉस लिमिटेड इस कंपनी के सह संस्थापक हेनरी रॉयस 1933, जर्मन भौतिक शास्त्रज्ञ फ्रिट्स स्ट्रांसमैन 1980, विचारवंत समाज सुधारक आचार्य सुशील मुनि महाराज 1994, अमेरिका के 37वें राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन 1994 में इनकी मृत्यु हुई, पंजाबी नाटककार, दिग्दर्शक, उपन्यासकार बलवंत गार्गी 2003, वायोलिन वादक, संगीतकार, गायक लालगुड़ी जयरामन 2013, भारत के
27वें सर न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा 2013 स्वतंत्रता सेनानी पॉलिटिशियन और गदर पार्टी के संस्थापक बाबू मंगूराम चौधरी 1980 संगीतकार नदीम श्रवण जोड़ी के श्रवण राठौड़ इनकी मृत्यु 2021 में हुई और दृष्टिबाधित कलाकार मेमिक्री आर्टिस्ट ड्रम सेट वादक और एक्टोपैड वादक कनक सिंह जडेजा 2021। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। तो चलिए अब लेता हूँ विदा। जी हाँ भाई, याद है ना, घबराए, सवाल का जवाब देना है। जी हाँ बहन और भाइयों, तो आज का सवाल क्या था? आज का सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सुंदरियों का देश कौन से देश को कहा जाता है? तो सुंदरियों का देश है फ्रांस। तो चले जाइए सुंदरियों से मिलने के लिए। तो चलिए भाई, फ्रांस इस ये विश्व का सुंदरियों का देश है। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ये दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ सूचनाएँ या सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इसी के साथ ही मैं आज के दिन लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ तो वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, अलविदा।